नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग व कृषि विपणन बोर्ड की ओर से आज करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम में विचार विमर्श संगोष्ठी कराई गई। यह संगोष्ठी 3 कृषि अध्यादेशों के फायदे बताने के लिए करवाई गई। इस संगोष्ठी में कृषि विशेषज्ञों द्वारा अपने विचार रखे गए एवं इन अध्यादेश के बारे में किसानों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर देश के किसानों को कृषि अध्यादेशों से होने वाले फायदे एवं मुनाफे के बारे में बताया गया। प्रगतिशील किसान को और प्रगतिशील बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों द्वारा अपनाई जा रही मॉडर्न तकनीक के बारे में जानकारी दी गई और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक अपनाकर प्रगतिशील खेती करने के बारे में भी विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की गई एवं अपना संबोधन दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील कृषि के बारे में विचार रखने वाले कृषि विशेषज्ञों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इन अध्यादेशों से किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा। इस मौके पर कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में कृषि विपणन बोर्ड के उच्च अधिकारी मौजूद रहे एवं अन्य देशों के बारे में प्रगतिशील किसानों को जागरूक किया गया। किसान साथियों, उपस्थित अन्य सभी बंधुगण, मीडिया के सभी हमारे साथी, आज का विषय, आज की चर्चा, वास्तव में बहुत दिनों से एक विचार चल रहा था कि एक जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि किसान की आय किस प्रकार से डबल हो, कृषि और किसान विषय बहुत बड़ा है, बहुत चर्चाएं इस पर हो सकती हैं, लंबा मंथन हो सकता है, लेकिन आज के इस चर्चा में केवल दो ही विषय तय करके बातचीत के लिए हम लोगों ने जो बातचीत की है कि उसमें जो 3 किसान के जो बिल बने हैं, जिसके ऊपर बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत सी शंकाएं पैदा की जा सकती हैं, आखिर किसान को आगे बढ़ाने में, किसान की आय दोगुनी करने में और कृषि को, जैसा कहा जाता है कि वाणिज्यिक दृष्टि से या उद्योग की दृष्टि से कोई भी इसका दर्जा आगे बढ़ाया जाए, कृषि का एक खेती के नाते से जो एक नेग्लेक्टेड क्षेत्र है, इसको किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए जो 3 पहले अध्यादेश थे, अब कानून बन गए, इसके ऊपर एक सार्थक चर्चा की जाए। और इसी में दूसरा विषय था कि हमारे प्रगतिशील किसान आज क्या कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और हमारा भी कोई दायित्व इस किसान की स्थिति को मजबूत करने के लिए हम अपना भी कोई दायित्व तय कर सकते हैं क्या। इन दोनों विषयों पर चर्चा में आप लोगों में से भी कुछ प्रतिनिधि आए, 5-6 लोग, उन्होंने भी अपना विषय रखा और तीनों जो हमारे ये बिल हैं इनके ऊपर भी चर्चा हो गई। पैनलिस्ट ने विषय रखे, हमारे देवेंद्र सिंह जी जो सचिव भूमिका में अपनी बात रखी, सुमिता कटारिया जी ने भी बिलों पर बात रखी। मुझे लगता है विषय काफी आ गए, फिर भी हमारे कृषि कुछ भूमिका के साथ मैं अपनी बात इन दोनों विषयों के ऊपर स्पष्ट करूंगा। हमारी वर्तमान जितनी भी नीतियां बनती हैं, देश की कोई भी नीति बनती है, उसमें कृषि, कृषक, ये उसका केंद्र बिंदु रहता है। अगर देश का आबादी का अधिकांश भूभाग, अधिकांश जनसंख्या का भूभाग ये कृषि पर ही निर्भर है, तो हमारे देश की कृषि जिस प्रकार से, कृषक जिस प्रकार से अच्छा होगा, उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और इसके पीछे गंभीरता कितनी है इसका उदाहरण भले एक ऐसा एक छोटा नॉमिनल है, लेकिन उसमें से उसका महत्व पता लगता है कि जब केंद्र में सरकार आई मोदी जी की, तो इस विभाग का नाम कृषि विभाग होता था,
उनका नहीं, कृषि में तो उत्पादकता बढ़ गई है, कृषि हमारी अच्छी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कृषक का कल्याण नहीं हो रहा। तो इसका नाम बदल करके क्या रखा, कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग, किसान कल्याण या कृषक कल्याण, किसान कल्याण विभाग। तो किसान का कल्याण उसमें होना चाहिए, तभी कृषि के आगे बढ़ने का फायदा है। ग्रीन रेवल्यूशन में हमने उत्पादकता बहुत बढ़ाई, लेकिन क्या कृषक की आमदनी बढ़ी क्या, वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ क्या, लगता है नहीं। अब ये द्वंद्व कृषक के साथ शासन प्रशासन का, ये आज का नहीं है, ये देखा जाए तो देश आजाद नहीं हुआ था उस समय भी कृषक के ऊपर 100 प्रकार के कानून लादे जाते थे। अगर हमें से किसी को ध्यान में हो तो गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण में आंदोलन किया था, अंग्रेजों का राज था, पता होगा क्यों किया था, किसी को है पता नहीं। अंग्रेज सरकार ने एक फरमान निकाला उस इलाके में कि इस इलाके की इतनी भूमि, इसके ऊपर आप नील की खेती करोगे और कुछ नहीं करोगे, इंडिगो। और नील की खेती क्यों, उससे रंग बनता है जैसे नील होता है, ये उसी में से निकलता है, और इसका विदेशों में दुनिया में इसका भाव बहुत ऊंचा हो गया, सस्ते दामों से, या उस समय तो किसान जो है वो लगान के रूप में थोड़ा बहुत अपने पास बचता होगा, बाकी सारे सरकार ले लेती थी। तो इंडिगो सरकार पैदा कराती थी और उसका बड़े भाव से सरकार जो है बाहर भेजती थी अपने फायदे के। गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए ही आए थे 1916-17 में, तो आते ही जब उनको ये पता लगा कि अंग्रेज सरकार ने कानून बनाया है, उन्होंने चंपारण में जाकर के अपने अरेस्ट दिए, मुकदमे झेले, वहीं रहने लगे, लोगों को जागृत किया, और बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ कि हमको ये मंजूर नहीं है, किसान जो चाहेगा सो बोएगा। अब उसमें बहुत बड़ी सफलता निकली, लेकिन पार्शल सफलता मिली कि कुछ हिस्से में इंडिगो बोलो, कुछ हिस्से में बाकी हिस्से बोलो, एक ऐसा उसको एक अर्ध सफल आंदोलन कहा जा सकता है, लेकिन मिला, देश आजाद हो गया। आज पिछले लगभग 5 वर्षों से हरियाणा में कृषि और बागवानी, पशुधन विकास और मछली पालन के क्षेत्र में किए गए अनेकों नई पहल, नए कदम और सराहनीय प्रयासों के गौरवमय इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाला है। किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत हरियाणा सरकार का कृषि विभाग इस सम्मेलन के माध्यम से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 3 नए कानून बनाकर कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की सशक्त नींव रखने का काम किया है और इस विषय पर आज के सम्मेलन में खुले मन से विस्तार से चर्चा होगी। आज विशेषज्ञों और किसानों के बीच पैनल डिस्कशन किया गया है, उसके बाद सीधा संवाद का भी आयोजन किया गया है, जिसमें मेरा आज अनुरोध होगा आपके मन में मेरा एक ऐसा मौका मुझे मिला कि मैं खेती की ओर अपना मैंने फैसला लिया और मैं उस रासायनिक खेती से ही मैंने अपनी खेती आरंभ की थी और उस काल में एक रिकॉर्ड उत्पादक किसान रहा। मैंने 650 क्विंटल गन्ना 2005 में निकाला और मैं आज प्राकृतिक कृषि में 450 क्विंटल गन्ना निकाला, लेकिन मेरा सपना वो 650 क्विंटल को तोड़ना है। उसको मैंने कैसे किया, इसमें मेरे 15 वर्ष लगे और मैंने देश के जो हमारे प्राकृतिक विशेषज्ञ हैं और अपने कृषि विभाग के जो अधिकारी गण हैं, जो वैज्ञानिक गण हैं, उनका भी सहयोग लेकर मैं आगे बढ़ा था। असली अब मेरे फार्म को देश से नहीं विदेश से भी लोग देखने आए, मेरे फार्म को हमारे महामहिम राज्य का आचार्य देवक 2011-12 मेरे खेत में आए, क्योंकि मैं 2005 से राजीव दीक्षित जी से प्रेरणा लेकर और स्वामी रामदेव जी के सहयोग से मैं इस मिशन में आया था कि हम जहर मुक्त खेती करेंगे।
क्योंकि रासायनिक खेती में मैं उत्पादन तो ज्यादा ले रहा था, मैक्सिमम उत्पादक किसान रहा हूं, लेकिन जो मेरी मिट्टी है वो हर वर्ष क्षीण होती जा रही है, मेरी जो भूमाता है वो हर वर्ष कमजोर होती जा रही है। जब मैं रासायनिक खेती करता था उस समय मैं एक एकड़ में 60 केजी जिंक डालने लग चुका था, मैंने 2600 क्विंटल गन्ना जरूर लिया था, लेकिन वो उन रसायनों का ही एक चमत्कार कह सकता हूँ। लेकिन जो गन्ने में मैंने कमी महसूस की जब मैंने धान की क्रॉप लगाई, तो जहाँ हमारे कृषि विशेषज्ञ 10 केजी जिंक डालने की बात कर रहे थे, मैं 6 times ज़्यादा डाल रहा था। तो वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट भी था कि ये कृषि ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली नहीं। और आज मैं अपने हरियाणा प्रदेश की जब मिट्टी के सैंपल देखता हूँ, तो मेरे हरियाणा प्रदेश की मिट्टी का कार्बन 0.2 भी कुछ क्षेत्र में आया है। संभालकर की जो लैंड है उसमें मेरे पास जो सैंपल आए, मेरे पास जो किसान आते हैं वो 0.2 से लेकर 0.3 की मिट्टी में क्या प्राकृतिक खेती की क्या संभावनाएं हैं, उस पर आर्य जी आप अपना प्रकाश डालिए। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि जब भी आप प्राकृतिक कृषि को करेंगे तो आप उसके प्रिंसिपल को समझ कर करें, ऐसे मत करना कि यूट्यूब पे आर्य जी की क्लिप देख ली उसके बाद आपने प्राकृतिक खेती आरंभ कर दी। नहीं किसान दोस्तों, ऐसे आप उत्पादन भी नहीं ले पाएंगे और इस रास्ते पर आप भटक जाएंगे, क्योंकि ये पूरा विज्ञान का युग है। मैं मानता हूं कि जब मिट्टी का कार्बन 0.8 से ऊपर होगा तो हम प्राकृतिक कृषि को लाभकारी कृषि कह सकते हैं। लेकिन सिस्टम पे काम करता हूँ, यानी मेरे 3 फसलें मैं लेता हूँ, आलू, मक्का, फिर राइस, या जो ग्रैंड खेत हो जाते हैं जल्दी जो आलू लगाते हैं उसके नीचे वीट आती है, उसके बाद फिर बरसातू मक्का। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसान को एक एकड़ में से सारे खर्चे निकाल के 1,00,000 रुपये ना बचे तो खेती छोड़ देनी चाहिए। हर एकड़ 1,00,000 रुपये निकाल के, जिसमें अपनी ज़मीन का आप रेंट भी होता है जो वो भी लगाओ, चाहे वो आपकी अपनी है उसका भी रेंट जोड़ो। आप एक एकड़ से अपनी ज़मीन का रेंट और सारे खर्चे निकाल के अगर आपको 1,00,000 रुपये बचता है तो आप खेती ठीक है करो, नहीं तो छोड़ के कोई और बंदा जल्दी से देख लो। क्योंकि मेरा जो काम है, मैं पोटैटो सीड का काम करता हूँ बेसिकली। तो हम लोग आज जब मैंने शुरुआत करी थी इस काम की खेती में, जब मैं आया था मेरे को लेके आए थे मेरे घर वाले मैं एक्चुअली में बाहर था, मैं खिलाड़ी था, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्लेयर था, मैं कोडोकान इंस्टीट्यूट टोक्यो में ट्रेनिंग कर रहा था जब मेरे ग्रैंडफादर अमेरिका से जाकर मेरे को इंडिया लेके आए, कहते भी खेती संभाल। मैंने खेती संभाली, मैंने देखा मेरे को दाता कुछ नहीं था, फिर मैं पोटैटो हमारा बिजनेस मतलब पुस्तैनी काम था कि आलू का, तो हमारा तो मैं इसको सीड लाइन में पड़ गया। इसके वो ब्लैंक थी एक किस्म से, हरियाणा में इतना कोई काम नहीं था, पंजाब की तरफ जाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं उसके बाद हमारे यहाँ डेवलप हुई, PTC डेवलप हुई, पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर डेवलप हुआ, उनके साथ मिलके मैंने फिर काम करना शुरू किया और सीड का काम आहिस्ता आहिस्ता मेरा पूरे इंडिया में सीड में सप्लाई करता हूँ। एक देश तो चाहे वो ऑर्गेनिक है, जीरो बजट पे है या कोई और है, तो एक प्लेटफॉर्म तो मैं इसके लिए जोड़ के रखा है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सर, इसमें मैं सर एक बात मेरे दिमाग में अभी आई कि सब साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन करें। छोटा किसान बेचारा कहाँ डाइवर्सिफिकेशन करे, वो गेहूं जीरी के फसल चक्कर को तोड़ के मैं उसको डाइवर्सिफिकेशन के उस FPO के माध्यम से लेके आया हूँ सर। मेरा एक मॉडल है, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। मैंने उनको गन्ना लगाने की सलाह दी कि आप गन्ना लगाइए और बॉन्डी मिल के साथ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी करी गई, ना के बनवारी लाल। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के पास जब 1,00,000 क्विंटल गन्ने की बॉन्डिंग होगी तो पर्ची उसकी ऑलरेडी हर रोज आएगी, हर रोज पर्ची आएगी, तो वो गन्ना डालेगा। क्रॉप रोटेशन का इससे बढ़िया सस्ता और टिकाऊ इलाज मुझे नहीं दिखाई दिया सर। कॉर्पोरेट्स करेंगे क्यों भाई, आपके हार्डवेयर नहीं है, जो 20 किले 30 किले 50 100 की खेती कर रहे हैं वो भी भंडारण करें। मार्केट में देखें पिछले साल किस चीज का कितना रेट रहा, कहाँ शॉर्टेज रही, कहाँ डिमांड रही, कहाँ अपनी टांग खिंचानी है,
तो कर सकते हैं आदमी। मैं कहता हूँ 90% लोगों ने तो सारी ऑर्डिनेंस पढ़े नहीं होगा, अदरवाइज जिसने इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया होगा वो इसके खिलाफ हो ही नहीं सकता। इसमें गलत कहाँ है मुझे ये बताइए, गलत कहाँ है? रही बात एमएसपी की, शॉर्ट नहीं कहता है उसमें रिटर्न में नहीं है, अरे भाई पहले ही बहुत सारे क्रम में था, जो कह दिया तो कह दिया, हो गया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। आज मंडी में माल बिक रहा है हमारा बड़े अच्छे तरीके से, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रही है, बिक रहा है। सर मैं एक बात और कहूंगा, आपने जो एक अक्टूबर से परचेज करने का जो काम शुरू किया है और डिमांड 25 से कर रहे थे, इस 25 को दोबारा कभी ना करिए, इसका क्या नुकसान है? लोग 15 जून से पहले जीरी लगाने शुरू करते हैं, ये जो चिल्ला रहे हैं लोग, ये वही चिल्ला रहे हैं जिन्होंने 15 जून से पहले जीरी लगाई है, और इनको चिल्लाने दो तभी ये अगली बार रोकेंगे। इसको 1 अक्टूबर का मतलब 1 अक्टूबर चाहे इधर से उधर कुछ हो जाए, 1 अक्टूबर से परचेज करनी है। और प्लांटेशन 1 जून से 15 जून तक तो रिश्तेदारियों में चले जाएंगे सारे, के यार तो मजे करके आओ, और पहली जून को 15 जून को आगे देखेंगे खेती के लिए, अब कहा जीरी लगाने शुरू करें। ये जिस तरह आप एश्योरेंस की बात कर रहे हैं, मंडी सिस्टम बकायदा यूं का यूं ही चलेगा, जिसका मतलब जैसे आपने कहा बिल्कुल 5 दशक तक हरियाणा ने खाद्यान्नों के थ्रू पूरे देश का पेट भरा है, वो सिस्टम अभी भी उसके ऊपर कोई रुकावट कोई संशय ही नहीं होनी चाहिए कि जो एमएसपी सिस्टम, बल्कि हरियाणा ने तो जो हमारा पब्लिक सपोर्ट सिस्टम है 25% उसमें खरीद होती है, हमारा तो 100% खरीद स्टेट के बजट से मुख्यमंत्री करवाते हैं में बाजरा में हर चीज में, तो इसलिए वो एमएसपी सिस्टम बरकरार रहेगा। एक ऑप्शन जरूर दे दी गई है कि मान लिया जैसे कह रहे हैं कि जो 5 और 50 रुपए का जो गैप है उसको भरने के लिए, और सीएम साहब खुद कह रहे थे सुबह चर्चा थी कि हमारे एफपीओ हमारे एफएड मार्केटिंग क्या इन चीजों को, ये यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, क्या हम किसान की सशक्तिकरण में ये जो एक ऑप्शन हमें प्राप्त हुई है कि जो एक्स्ट्रा आपने बिल्कुल सही बात कही कि गेहूँ और चावल के अलावा सब्जियाँ बेचने से अगर मान लिया ज्यादा पैसे मिलते हों तो क्यों नहीं हुआ होगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.